गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सभा से पहले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को अन्ना को धोखा देने वाला शख्स बताया है। पोस्टर में केजरीवाल को ओसामा और हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान का हीरो बताया गया है। पोस्टर में केजरीवाल को किसानों का विरोधी बताया गया है और इसी के साथ दिल्ली में बलात्कार, फर्जी डिग्री, शराबी और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी लिखा गया है। केजरीवाल आज से 4 दिनों के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। वो सूरत, अहमदाबाद, मेहसाणा में सभा करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया है। पंद्रह तारीख को वो ऊंझा मेहसाणा जो माताजी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे और जो पाटीदार अनामत आंदोलन के दरमियान जो लड़के शहीद हुए हैं वो सभी लड़कों के घर जाएंगे और उनके परिवार को मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे और 16 तारीख को सुबह अरविंद जी सूरत आ जाएंगे और सूरत में शाम को 4 बजे सभा है, हमारी जनसभा है बड़ी, और 17 तारीख को यहाँ के विविध संगठनों से मिलेंगे और गुजरात के आगामी चुनाव की रणनीति के बारे में और संगठन के साथ इस बारे में काफी चर्चा होगी। भार्गव परिख हमारे साथ है। भार्गव, किस तरीके से अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है गुजरात में? अभी अरविंद केजरीवाल पहुंचे नहीं है, 4 दिनों का दौरा है उनका, लेकिन जिस तरह से पोस्टर आया है ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि जब वो पहुंचेंगे तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, इनका काफी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो घर का बेदी लंका ढाए वैसा ही हाल यहाँ पे गुजरात के अंदर है। यहाँ अन्ना हजारे के साथ जब यह आंदोलन चल रहा था तब जो कुछ लोग थे वो केजरीवाल विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आसाराम के साथ उसको सरकाया था। उसके बाद जब ये पोस्टर अहमदाबाद के कुछ इलाकों में लगे, मेहसाणा में पोस्टर लगने हैं और सूरत के अंदर केजरीवाल के जो पोस्टर लगे हैं उसके ऊपर स्याही लगाई गई है। तो केजरीवाल जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और सूरत के अंदर वो केजरीवाल जब वो अपनी रैली करेंगे तो उसका काफी बड़े पैमाने पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी विरोध किया जाएगा। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।